दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें सफाईकर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सफाईकर्मी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में फैली गंदगी को साफ कर रहे थे। इसी दौरान खाना का एक स्टॉल लगाया गया था, जहां स्थापना दिवस में आए हुए लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया गया था, लेकिन इसी दौरान एक सफाईकर्मी खाना खाने चला गया, जिस पर डॉक्टरों के द्वारा पिटाई कर दी गई। इसका विरोध आज दूसरे दिन भी सफाईकर्मी कर रहे हैं। यह बातें बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी संघ के लोगों ने कहा। हमारा नाम हुआ अमरजी झा, घर हुआ मुनिगाछी। क्या समस्या हो गई है? समस्या यही हुआ है जो मानव के साथ में अनादर हुआ है। मानव तो है लेकिन हमारे साथ में अनादर हुआ है, इसी के लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो अनादर क्यों हुआ इस तरह का, खुल के बोलिए क्या हुआ है? क्या हुआ है जो 4-5 को कर्मचारी को मार दिए? कहाँ पे? जहाँ पर खाना नाश्ता चल रहा था वहाँ पर मारे। कब की घटना है? कल जन्मदिन की घटना है। कल किसका? कॉलेज का कौन सा कॉलेज? नाम बताइए। GMCH। हाँ, ऐसा बोलिए। GMCH कॉलेज का जन्मदिन था और 50 वर्षों से कर्मी काम कर रहे थे, उनको आदेश का कोई जरूरत नहीं था और उनको निमंत्रण का कोई जरूरत नहीं था। उनको कहा गया था जो तुम काम करने आओ, 6 बजे भोर से 4 बजे तक हम लोगों का ड्यूटी था। 6 बजे भोर से 4 बजे तक यदि रहते हैं तो यदि कोई कर्मचारी, एक तरह का 120 कर्मचारी हैं, उसमें एक कर्मचारी यदि खाना खाने गया तो कोई जुर्म नहीं किया, उसके चलते उसको मारे। मानवता का हीनता हुआ, आत्म का अंधविश्वास हुआ। मानव को तो लोग, जिसको भगवान दिए हुए हैं, लोग को बुला के खिलाते हैं, मानव को बुला के खिलाते हैं, और ये कैसा मानव है जो प्लेट छीन कर उनको मारते हैं? कौन मारे हैं? सुने हैं जो क्या नाम है मारे हैं? दामोदर सिंह मारे हैं, 3 आदमी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का मतलब जो इनसे माफी मांगे, मानवता के आधार पर। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? इतना कम दरमाहा है जिसे हम लोग कंप्लेन कहीं किए हैं? कंप्लेन प्रिंसिपल साहब को किए हैं। प्रिंसिपल साहब क्या बोले हैं? तो अभी तक नहीं आया है। मेरा नाम रूपक राज हुआ सर, हम भी हॉस्टल कर्मी हैं, इन्हीं में हैं। हम यहाँ कॉलेज में ड्यूटी दिया हुआ है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी। क्या समस्या हो? समस्या सर यही हुआ है जो इनके साथ हुआ, ये हमारे संघ के लोग हैं और इनको जिस कार्य में हम लोग, किसी को भी वो नहीं मालूम था, लेकिन अगर हम लोग सब इकट्ठे जाते तो जाहिर से बात था कि हम सबको मारता, लेकिन इसको मारा क्योंकि ये गया, इसको भूख लग गया। सुबह से लेकर ये सारा जितना भी यहाँ का साफ सफाई करना, ये झंडे गाड़ना, ये टेल गड्ढा खोदना, सारा काम हम ही लोग करते हैं सर। और उसके बाद हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? अगर आपको नहीं था इस बार कोई ऐसा दिक्कत था तो आप इंकार करते, लेटर लगवा देते कि भाई आप लोग काम करिए और आप जाइए, हम खाना खाने नहीं जाते। लेकिन हमें मालूम नहीं था इस बार का, हर साल का तरह हम भी खाना खाने चले गए और देखिए ये उसके बाद ये नतीजा निकला कि इसको मारा गया। डॉक्टर दामोदर सिंह SOD हैं। कितने आदमी को? 3 आदमी को सर। नाम बताइए। पहला राजू मंडल है सर, और दूसरा में रघुवीर राय, और तीसरा में बैजनाथ कैंटीन के कर्मचारी का बैजनाथ शाह का स्टाफ है सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हम लोग इतना साफ सफाई करके आपको साफ सफाई में रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये कौन सा आपने क्या कहते हैं ऐसा काम किया है कि क्या कहते हैं इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, हमसे आप सफाई में लेंगे, आप स्वस्थ रहे और हम लोग अस्वस्थ रहते हैं, आपका सेवा करते हैं, उसके बाद दो रोटी खाने की वजह से ये हम लोग लज्जित हैं। क्या है हम लोग का सम्मान? हम लोग को सम्मानित किया जाए और जिन डॉक्टर साहब ने ऐसा किया है वो क्या कहते हैं राजू मंडल से आके माफ़ी मांगे। बस सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग का धरना जारी रहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं किया। आज सुबह से हम लोग हड़ताल पे हैं, आप लोग आए हैं, आप ही लोगों के सौजन्य से क्या कहते हैं हमारा सुनवाई होगा। सर हम लोग सुबह से हैं, 9 बजे से हड़ताल। सर हमारा 2 बजे तक का ड्यूटी है, हर किसी का 2 बजे के बाद आता है तो वो 6 बजे तक ड्यूटी करता है, लेकिन अब कोई ड्यूटी नहीं होगा, हड़ताल। अगर हमारी सुनवाई हो गया तो सर हम लोग पूर्ण फिर क्या कहते हैं अपने उसमें आ जाएंगे कामकाज में।
आगे क्यों? नहीं तो नहीं, माने ये जो हो रहा है ना, तो कोई ठीका वाला जाएगा काम करने के लिए तो मारपीट भयंकर होगा। क्या ये लोग, क्या हम लोग 8000 हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग का इज्जत नहीं है? जहाँ चाहेगा तहाँ घसट करके हम लोग मांग करते हैं, हड़ताल करते हैं। हम लोग मतलब काम करवा लेता है, हम लोग कल तक तुम लोग नहीं चिंता, भागो भागो भागो, मजदूर तुम नहीं पहचानते तो क्यों काम करवाते हैं? खाली शोषण हम लोग का रखता है, क्यों रखता है? ठीका वाले से खाली काम करवाता है, क्यों? इन लोग का लाद मार के हटावे। 40 वर्ष हम लोग खट रहे हैं, कोई कोई 50 वर्ष खट रहा है मजदूर, मर गया, कोई आधार नहीं है। और नैका वालों को सब आधार है, हम लोग पूरा न फेंका रहे, क्यों फेंकाएंगे? दो जगह काम करने के लिए हम लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। क्या मामला क्या था? मामला किस नहीं वही हुआ है, खाने वही मामला गया, कर्मचारी खाने के लिए गया तो मारा, खट देगा तो नहीं, खाने के जगह तो मारेगा, डॉक्टर होकर के मारेगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? वही फैसला हम लोग का दाम, ये फैसला चाहिए दमोदर, दमोदर सिंह वही फैसला चाहिए हम लोग का, मान सम्मान देवे। आज के बाद में कोई होटल के कोई डॉक्टर जूनियर या सीनियर नहीं, कोई हम लोग हाथ नहीं छोड़े, हम लोग नहीं मारे, हम लोग का मान सम्मान चाहिए, वही पर हम लोग खटेंगे, उसके बाद हम लोग का कहीं नहीं भेजा। किनको किनको मारे हैं? रघुवीर कमती के मेरा इंचार्ज को तो मारा है, जस मेरा स्टाफ है कि नहीं है उसी को मारा है, राजू को मारा है, और केकरा मार केकरा रघुवीर को मार लगे, और केकरा मार लगे बदनाथ को मारा है, क्या राजू जी को मारे हैं, रघुवीर जी को मारे हैं। घायल ज्यादा हो गए क्या? हाँ, पूरा ऐसा फूला हुआ है। कहाँ है अभी वो? अरे तू ये थप्पड़ मारा, फिर तो मार खाया ना, मेरा इज्जत हम लोग का कर्मचारी की इज्जत किया ना, चोट का भी है, इधर चोट है, इधर चोट है, क्या आप ही को मार लगा जी? तो क्या चाहते हैं आप? सर जो मेरा कर्मचारी चाहता है सर, न्याय चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम है? राजू मंडल, घर सागंज बेता, जिला दरभंगा। समस्या हो गया कि सर हम लोग हॉस्टल का कर्मचारी है, बरसों बरसों से काम करते आ रहे हैं सर, पहले ये सब रूल नहीं था कि हॉस्टल कर्मचारी को जहां तहां मनमाना खटाया जाए, छात्रावास कर्मचारी के हॉस्टल में सर, लड़के के हॉस्टल में, ईस्ट हॉस्टल में है जी, डीएमसी ईस्ट हॉस्टल है। तो मैं काम कर रहा था सर, सीएफडी जब साल में एक मरते आता है कॉलेज छात्रावास में, तो जमींदार के आदेश पर काम कराया जाता है सर। मैं सुबह से काम कर रहा था, और जिस दिन नाश्ता और खाना का समय था उस दिन कर्मचारी को नहीं मना किया गया था सर, और के वहाँ जाके नहीं खाना है, और हम लोग 12-1 बजे तक सर, हर साल फ्री होता था, हमें जानकारी नहीं था, हर साल नाश्ता फ्री रहता था, हम लोग को जानकारी नहीं था इस साल सर। तो हम लोग 12-1 बजे के जब डॉक्टर लोग खा लिए थे तो जगह खाली था, तो 4 कर्मचारी गए खाने के लिए सर, और नाश्ता लेके जब खाने लगे 2-3 गो पूरी, उसके बाद डॉक्टर दामोदर सिंह आके एग्जामिनेशन हॉल इधर से आके मारपीट और गाली गलौज करने लगा सर। इनको मारा? इनको मारा हमको सर, प्लेट भी छीन के फेंक दिया। कल की 23 तारीख को सर, कई बजे बोलो? कल 12:30 बजे करीब। कल तो प्रोग्राम था यहाँ पे। हाँ हाँ, उसी दौरान सर 12:30 बजे नाश्ता का टाइम था। 11 बजे सर। किन किन को मार लगा? पहला हमको लगा सर, और एक और रघुवीर राय है उसको, और जो एगो कॉलेज में कैंटीन चलाता है बैजनाथ शाह, उसका अथी स्टाफ को मारा है सर। जी जी, क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं सर, दामोदर सिंह से माफी मांगे, हॉस्टल के सिवा और कहीं काम नहीं कराया जाए।